कहते हैं इंसान के हौसले अगर बुलंद हो तो वह कोई भी बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल कर लेता है। ऐसे ही एक उदाहरण पानीपत में देखने को मिला, जहां फ्रेंड्स कॉलोनी की रहने वाली चंद्रिमा अत्री ने यूपीएससी परीक्षा में 72वां रैंक हासिल किया है। चंद्रिमा का कहना है कि उसने अपने दादा के सपने को पूरा किया है। चंद्रिमा ने 4th अटेम्प्ट में यूपीएससी फतेह कर अपने दादा का सपना पूरा किया। चंद्रिमा ने बताया कि उन्होंने ये सफलता दिल्ली में स्टडी करके हासिल की और उन्होंने 4थी बार एग्जाम देकर ये सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा को पास करने के लिए व्यक्ति में संयम होना जरूरी है, क्योंकि एक दो बार टेस्ट क्लियर नहीं होता तो विद्यार्थी डीमोटिवेट होकर परीक्षा छोड़ देता है, किंतु चंद्रिमा ने सकारात्मक सोच को जहन में रखते हुए इस मुकाम को हासिल किया है। चलिए अब चलते हैं चंद्रिमा के घर, जहां हमारे संवाददाता ने चंद्रिमा व उसके माता पिता से बातचीत की। देखिए पानीपत से मदन बरेजा की यह विशेष रिपोर्ट। मेरा रैंक आया है 72 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में, और मैंने अपनी पूरी तैयारी दिल्ली में रहकर की थी, तो वहीं पे रह के प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, और फिर इंटरव्यू भी जुलाई में हुआ, और फिर अभी रिजल्ट आ गए परसों, तो अच्छी रैंक आ गई, तो अच्छा लग रहा है। कितना रैंक? 72 जी। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस तक पहुँच गई थी पर उसमें क्लियर नहीं हुआ था, और सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था, पर फोर्थ अटेम्प्ट में फिर अच्छे से तैयारी की तो रैंक आ गई अच्छी। देखिए पहले तो जो अभी एकदम स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी करना, वो सिलेबस को देखें पहले, तो सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, उसमें देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फिर इसमें ऑप्शनल भी चूज़ करना होता है मेन्स एग्ज़ाम में, तो देखिए कि कौन सा ऑप्शनल आपको पसंद है और किसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने की वो है, मतलब फ्रीडम दी जाती है, कोचिंग अवेलेबल जिसमें है, अच्छा मटेरियल जिसमें अवेलेबल है, वैसा ऑप्शनल चूज़ करिए, और बाकी प्रैक्टिस पे भी बहुत डिपेंड करता है, तो टेस्ट सीरीज़ बहुत लिखनी चाहिए प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, तो उससे फिर अच्छी तैयारी हो जाती है। और बाकी एक प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि बार बार अगर अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और थोड़ा अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है, तो अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए और बाहर भी घूमने जाइए, और उसमें फिर पढ़ाई भी करते रहिए साथ में। पहली बात तो जो इसमें सिलेक्ट होते हैं उनका उद्देश्य कभी पैसा कमाना होता ही नहीं है, क्योंकि वो इतने सारे अटेम्प्ट दे के आते हैं तो उनको पढ़ाई से ज़्यादा लगाव होता है पैसे कमाने से ज़्यादा। तो जब मैं जाऊँगी कहीं पर भी, मुझे जो भी स्टेट मिलती है तो उसमें मैं कोशिश करूँगी पहले उस स्टेट को जानूँ, उस एरिया को जानूँ जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ, और वहाँ के लोगों की जो नीड्स हैं उन पे फोकस करके फिर वैसा काम मैं पकड़ूँ और उनकी नीड्स पूरी हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करना चाहूँगी। अभी आप जैसे काफ़ी आपने पढ़ाई की है, काफ़ी चीज़ें आप सोसाइटी में भी रहती हैं, आप पॉलिटिक्स न्यूज़ सब देखती हैं, आप किस तरह की आपको क्या महसूस होता है कि इस चीज़ की कमी है, मैं इसको सुधार सकती हूँ? देखिए पहले तो क्योंकि कुछ सेक्शंस हैं सोसाइटी के जिन्हें बेसिक नीड्स भी नहीं मिल पाते हैं, जैसे पानी हो गया, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, हाउसिंग भी नहीं होती है, झुग्गियों झोपड़ियों में रहते हैं कुछ लोग, तो बेसिक नीड्स पहले पूरी हो जाए हर वर्ग की, जो भी सोसाइटी का जो भी वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, और बाकी जब वो नीड्स पूरी हो जाए तो फिर एजुकेशन बच्चों की, फिर हेल्थ फैमिली मेंबर्स की, उसके बाद फिर क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ तो फिर मुझे विमेन एम्पावरमेंट का भी इशू बहुत ही दिल के पास लगता है, तो उसके लिए भी मैं कुछ करना चाहूँगी। मैं बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती। मेरी बेटी ने शुरू से 6th क्लास में थी जब से इसने अपनी यही बनाया था कि मैं बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनूँगी, कि मेरे दादा का सपना है, मम्मी पापा का सपना है, वो मैं पूरा करूँगी, और इसने आज सपना पूरा कर दिया। और उसके अलावा कैडर क्या मिलता है, कहाँ जाती है, वो उसमें हमें कोई ऐसी चिंता नहीं है, भारत पूरा एक ही देश है, पूरे देश में कहीं पर भी इसको सर्विस करनी पड़े, ये वहीं पर अपनी तैयारी करके अच्छे से देगी, हमें अपनी बेटी पर भरोसा है, इसने जो अभी तक सीखा है, हमारे से जो सीखा है, समाज से सीखा है, किताबों से सीखा है, पढ़ाई से सीखा है, ये जितना इसने अब अच्छा परफॉर्म किया इससे भी अच्छा परफॉर्म करेगी आगे भविष्य में। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।